हेलो फ्रेंड्स, मैं रुबीना। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था व्हाट इज एनएलपी एज अ सक्सेस मंत्रा, और आज हम सीखेंगे एनएलपी कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलके एनएलपी के थ्रू किस तरह से हमें सक्सेस दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कॉन्शियस माइंड से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वी यानी विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थीसिया से, BAK। अब हम बात करते हैं कि हम अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, हमारे साथ में अगर कोई इवेंट होता है या किसी भी इवेंट को जब हम देखते हैं, तो उसको देखकर, उसको सुनकर, उसको महसूस करके उसके लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, अलग अलग थॉट बनाते हैं, यानी उसको अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। हमारी परसेप्शन अलग अलग होती है। ये इवेंट है, इस इवेंट को देखने के अलग अलग नजरिया है सबका। एक पर्सन इसको देख करके अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अलग बनाता है, दूसरा इसको सुन करके अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अलग बनाता है, तीसरा इसको फील करके, महसूस करके अपना अलग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। ये कैसे बनता है इसको हम समझेंगे। अब ये जो अलग अलग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ये आपका बना इवेंट टू, तो ये हुआ आपका इवेंट वन। अब आप ये देखिए, इवेंट वन सबके लिए एक ही है, बट इवेंट टू अलग अलग बन रहा है। इवेंट टू अलग अलग कैसे बन रहा है, आइए इसको समझते हैं। जब हम इवेंट वन को देखते हैं और इवेंट टू बनाते हैं, तो इसके बीच में हमारे कुछ फिल्टर्स हैं जो काम करते हैं। या तो हम इवेंट वन को डिलीट कर देते हैं, या तो इवेंट वन को जनरलाइज करते हैं, या तो हम इवेंट वन को डिस्टॉर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इवेंट वन को डिलीट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इवेंट टू अलग बनेगा, यानी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अलग बनेगा। अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी इवेंट टू अलग बनेगा, और अगर डिस्टॉर्ट करते हैं तो इसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी इवेंट टू अलग बनेगा। अब देखिए, इवेंट वन एक ही है, बट इवेंट टू सबका अलग अलग होता है। इट मींस इवेंट वन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इवेंट टू इज इम्पोर्टेंट। हमारे लिए इवेंट टू इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इवेंट टू के अकॉर्डिंग ही हम अपना मेंटल स्टेट बनाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने किसी को कॉल किया और उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो मेरा एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है, मैंने कॉल किया, दैट इज इवेंट वन। और इवेंट टू, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो उसके बाद मैं अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये बनाती हूँ कि उन्होंने कॉल नहीं उठाई, मे बी वो बिजी होंगे। तो मैंने क्या किया, जनरलाइज, उस टाइम मेरी मेंटल स्टेट अलग होगी। दूसरा केस, अगर मैंने फोन किया और उन्होंने नहीं उठाया और मुझे गुस्सा आया, तो मैं उसको डिस्टॉर्ट करके सोचूंगी कि यार इनको तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। और अगर मैं इवेंट वन को डिस्टॉर्ट कर रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, अनप्रेजेंट स्टेट है। इसी तरह से अगर मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, मतलब कि अगर मैंने कॉल किया उन्होंने नहीं उठाया, तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, लेट गो करके मैं सोचती हूँ कि चलो नेक्स्ट टाइम कॉल कर लेंगे। तो ये मेरा एटीट्यूड जो है उस टाइम मेंटल स्टेट अलग होगा। तो फ्रेंड्स, इससे हमने क्या सीखा, इवेंट वन तो एक ही है, बट इवेंट टू सबका अलग अलग है, और इस इवेंट टू के वजह से हम अपना मेंटल स्टेट बनाते हैं, अच्छा या बुरा, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट मेंटल स्टेट। अब फ्रेंड्स, मेंटल स्टेट जैसा कि मैंने बताया, ये दो तरह का बनता है। फ्रेंड्स, प्लेजेंट स्टेट को बोलते हैं रिसोर्सफुल, एंड अनप्लेजेंट को बोलते हैं अनरिसोर्सफुल। फ्रेंड्स, जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तो डेफिनेटली हम खुश होते हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं अपने हेल्थ में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में। इसी तरह से जब अनप्लेजेंट होते हैं, यानी अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफर कर रहे होते हैं, बिजनेस में लॉस, रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी,
और हेल्थ में भी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनप्रेजेंट यानी अनरिसोर्सफुल स्टेट की। जब आप अनरिसोर्सफुल मेंटल स्टेट में होते हैं तो आपके साथ क्या होता है? एंगर, एंजाइटी, फियर, फोबिया। इसी तरह से जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तो हम कैसे फॉर्म में होते हैं? वी आर हैप्पी, मींस हैप्पीनेस, वी गेन सक्सेस, हेल्थ। जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तो हेल्थ भी अच्छी होती है। सी, जब हमारे पास एंगर है, एंजाइटी है, फोबिया है, फियर है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी सफर करती है इन सब चीजों से, और फिर बॉडी में हमारे डिजीज आ जाती है, जैसे बीपी है, शुगर है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में आ जाती है जो हमारी बॉडी सफर करती है। मींस कि हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है, और जब हेल्थ डाउन होती है तो आप डेफिनेटली अपने बिजनेस में और अपने रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल स्टेट हमारे ग्रोथ में, हमारे सक्सेस में या हमारे फेलियर में किस तरह वर्क करती है। रिसोर्सफुल स्टेट जब होती है तो हम हैप्पी होते हैं, काम होते हैं, और हम ज्यादा आइडियाज अपने माइंड से क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, और हम सक्सेस की तरफ फोकस कर सकते हैं, पॉजिटिव गोल सेटिंग कर सकते हैं, और हम गोल गेट भी कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट वी कैन से दैट गोल को अचीव करने के लिए हम प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। कब? जब आप रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। बट जहां आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, आप अपनी हेल्थ से गए, रिलेशनशिप अनस्टेबल, बिजनेस अनस्टेबल, देन यू विल गेट फेलियर। मींस अनरिसोर्सफुल स्टेट में यू विल गेट फेलियर, राइट? तो फ्रेंड्स, नाउ हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारी लाइफ में सक्सेस, गोल अचीव करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, दैट इज अवर मेंटल स्टेट। हमारा मेंटल स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा जैसा मेंटल स्टेट होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, एनएलपी हमको यही सिखाती है, हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करके कौन सा स्टेट कैसे प्राप्त करें, रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे आए। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कैसे होता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट हमारे गोल अचीवमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें।